सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा श्री दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सप्तश्लोकी दुर्गा शिवोवाच। देवी तं वत्सलभे सर्वकार्यविधायिनि करो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि करो सर्वेण साधनम् मया तवैव सेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अच्च श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। नाम विजयदासे देवे भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते। दुर्गे स्मृता हर्षभेदमशयन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमते वशवां ददासि दारिद्र्यदुःखवयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थि हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयवस्त्राय नो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगानशेषा नपांसदुष्टा रुष्टा दुःकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् श्रतायाशयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभैर्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शनश्वकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चार्या त्रिनेत्रा शूलधारणि धारणे चित्रा दण्डघण्डा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्द स्वरूपणि
अनंता भावने भव्या 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 सदा गतिः शांभवे देव माता च चिंता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशने अपर्णा गवर्णा च पाटला पाटलावते पट्टाम्बरपरे धारा कलमञ्जीररञ्जने अमे अविक्रमा क्रूरा सुन्दरे सरसुन्दरे वरदुर्गा च मातङ्गे मतङ्ग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरे चन्द्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुण्डा चैव वाराहे लक्ष्मी च पुरुषा कृतिः विमलात्कर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना शुम्भ शुम्भ हरणे महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्त्रे च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकासस्य धारणे कुमारी चैककन्या च केशरे युवते यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा मोदने मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वालारौद्रमुखे कालरात्रे तपस्वने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरे शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने यायुधं प्रभटे नित्यं दुर्गा नाम सदाशकं नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धनं धान्यं सुतं जायामयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्दलभन्मोतिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकं कस्तु सिद्धिर्भवेत् सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्याश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलक्ष्यन्द्रं विदिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावाक्यानि सामग्र चन्द्रे शदभिषाङ्गद विलक्ष्य प्रवटे स्वात्रं स भवे इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्याशिजण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषे परश्चन्द्रः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोदमादरा बेजं देववन्द्रदेवता सत्त्वं श्रीजगदम्बा विद्यते सप्तशते पाडाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै
मार्कण्डे उवाच ॐ जगदोऽयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहे पितामहः ब्रह्मा उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासोकजं पुण्यं दशनश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च तृतीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायणीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तितः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अनिनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गदारणे देशमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः का तेषां जायते किञ्चित् अशुभं ऋणसङ्कटे नामनं दस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येषु भक्त्या सुदारूणां तेषां वृद्धिः प्रजायते येतां सदन्ति देवेषु रक्षते राणसंशयः वेदसंसात चामुण्डवाराही महिषासन एतृगसमारूढ वैष्णवी गरुडासन माहेश्वरी विशारूढ कौमारी शिवाहन लक्ष्मी पद्मासना देवे पद्महंसा हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवे ईश्वरे वृषवाहन रामीहंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामादरा सर्वाः सर्वयोग समन्विताः कानावर्णशोभाट्यानारत्नापशोभिताः दृश्यन्तरसमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शतं चक्रं ददां सत्यं हरं च मुसलायुधं खेडकं दामरं चैव परशं पाशमेव च कुन्तायुधं दुशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च कार्यन्तायुधानेतं देवानां दहिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने धायि मां देव दुष्पर्श शत्रूणाभयवर्धने रक्षमामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवसुमाराहि नैरित्यां खड्गधारिणि प्रदिचावारुणि रक्ष वायव्या मृगवाहिनि उदिचा पादकौमारि एषा नाशूलधारिणि ओजं ब्रह्माणि मे रक्ष अदस्ता वैष्णवे तथा एवं दशो रक्ष चामुण्डा शवाहना जया मे जागृता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वतो दक्षिणे च पराजिता शिरामुद्योदने रक्ष उमामूर्धे व्यवस्थिता पालाधरी ललाट च भ्रुव रक्ष शस्वने त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये शमघण्टा च नासिके शङ्खणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासने कपोलोकालिका रक्ष कर्णमूले दुशाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च चर्चिका अधरे चां मृगला जिह्वायां च सरस्वती दण्डारक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका कण्डिकां चित्रकण्डा च महामाया च तालुके कामाक्षे च मुखं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठभंशे धनुधरे नीलग्रीवामये कण्ठे नलिकां नलकोभरे स्कन्द्यः खनखणे रक्ष बाहु मे वज्रधारणे अस्योर्दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च
नगाश्वरेश्वरी रक्ष कुलेश्वरी परारक्ष महादेवी मनाशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी कामोच कामनी रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कोदना कामिका मैडम बुदय महिषवाहिनी प्रत्याभवती रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनी जंगे महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायिनी कुलभूषणार्थी च पादप्रेषयदुदेजसी पादाङ्गुलेषु रक्ष पादादस्थलवासिनी नगाकष्टाकराणि च केशाश्च वर्धकेशणि रोमकोपेषु कोवेरि त्वजं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामर्जान्यसि मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावति पद्मकोशकफचूडामणि तथा ज्वालामुखेन ज्वालामवेद्या सर्वसन्ध्यशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं मनां बुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणि प्राणापानौ तथा व्याणौ उदाणं च समानकं वज्रहस्ताद मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभनम् रसरूपे गन्धे च शब्द स्पर्शय योगणि सत्त्वं रजस्तमश्च वा रक्ष नारायणे सदा आयु रक्ष महाराये धर्मं रक्ष वैश्वे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुर्मे रक्ष चण्डिके स्वत्रा रक्ष महालक्ष्मे भार्यां रक्ष भैरवे पन्थाणां सवदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीं विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीणां द्वयस्थानं वर्जितं कवचनतो तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशने परमेकं न गच्छतो जये च शुभमात्मनः कवचे नाभृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राधलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमदलं प्राप्नोति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामेश पराजितः ते लोके तु भवेत् पूजा कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामवे दुर्लभम् व्यापरे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सद्यान्वितः देवी कला भवेतस्य त्रैलोकेश पराजितः जीवर्षम् साग्रं मम मृत्यो विवर्जितः पश्यन्ति व्याधया सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्भिषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले गोचरा केचरा च जलजा च मदशिका माला डागणेशाकणे तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिन्नश्च महाबलाः ब्रह्मोदमिषाचाश यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डाभैरवादयः पश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो न ते भवेराज्ञस्तेजवृद्धिकरं वरम् यशसा वर्धते स्वापे कीर्तिमण्डलभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते शशेलावनकाननौ कावत्तिष्ठति मे जन्यां सन्तते पत्रपौत्रगे देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। अथर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य ऋष्टो ऋषिः अनुष्टवो छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बादीतये सप्तषदीपानाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमो चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गाक्षमाशिवाधात्रे स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवि चामुण्ड जय भूतादिहारिणि जय सर्वगदे देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैरवमित्रावि विधात्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि रक्तबीजावदे देवि चण्डमुण्डविनाशने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि शुम्भस्यवन शुम्भस्य धूम्रक्षस्य मर्दने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि वन्दिताङ्गे युगे देवि सर्वसौभाग्यदायने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि अजेन्द्ररूपचरित सर्वशत्रो विनाशने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि नरेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुवध्यो वदे पूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चण्डिके सततं जयत्वं अचयन्देह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि दुष्टतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमांशियम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुरशिरो रत्ननिग्रश्चरण्यम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावन्तं च सस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचण्डधर्मण चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवे शश्वभक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि इन्द्राणि मदि सर्वाभ पूजिते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवि भक्तानोदाम दत्तानन्दोदयाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि पत्नि मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि कारणि दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्।
हिरण्यकशिपुर्वरुणं भवेदुर्गदेवेनः स्वादो सप्तशमे सङ्गा परमाप्नोते सम्पदा अथ कीलकम् अस्याशेकेलमन्त्रस्य शिवादिशे अयोष्टव छन्दः श्रीमहासरस्वते देवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थम् सप्तशमे पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः चण्डिकायै मार्कण्डवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाधारिणे सर्वमेतद्यानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् स्वाभिक्षेमाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः यद्यन्तु चाटनादेने वस्तूने सकलान्यपि एतेन सुभदां देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति रामन्तोनौषधं तत्र न किञ्चित् विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकं समग्रान् विसिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमामहः यत्त्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायातो तच्च गुप्तं चकारः समाप्तेन पुण्यस्य तायतावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायामाचतुर्दश अष्टम्यावा समाहितः ददातेर्णादेनानदेशा प्रसीदते यत्तं रूपेण केलेन महादेवेन केलितं यो निश्चिरां विधायेन नित्यं जपते संसुणं स्वासितासोऽपि गन्धर्वो जायते नः न चैवापतस्तस्य भयं वापि अजायते नापमित्योपशं जाते मृता मोक्षमवाप्न्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्रेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सोमाज्ञातिषत्किञ्च दृश्यते लरणाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यमिदं शुभम् शरेस्तु जप्यमाणयोत् स्तोत्र सम्पत्तिरोचकैः भवत्येव समग्रामे सदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुवाणि परो मोक्षः श्रूयते साणगञ्जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र Bye.
जय
जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दन शैल सुत कटितट पेदन कोलम नेत्र भयो गति रात्रिग संदर जय सरत सुरासुर मौलि मणि सुर दंडुत कर्णक संदर जय यद कनका जल मौलि पदार्थित निर्मल कुंदर कमलक जय 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 हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दन शैल सुत विज दहस्र करे कसहस्र करे कसहस्र करे कणुते युज दुर तारक संगर तारक संगर तारक सोनु सुदे सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुरा तरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दन शैल सुते पद कमल करुणा निलय परिवस्यते यौनधि नन्द शिव ऐ कमले कमला निलय कमला निलय सकथं न भवे पर परमेव परं परमेत्यनुशीलयतो मम किं शिव जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दन शैल सुत पर कल सकल दिन्दु जले तव चरणं चरणं करवाणि न तामरवाणि निवाजिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दन शैल सुते तव विमलेन्दु कुलं बलये कमलं सकलं गणमूलयते किम पुरुहूत पुरेन्दु मुखे सम्मुखे विरतौ विमुखे क्रियते मदने भवति कृपया किमदा क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दन शैल सुते अयि मयि दीन दयालु दया कृपयैव त्वया भवितव्य मे अयि जगतो जननी कृपया धियतासि तथा रमिता धिरते कर्जगमत्तव भक्तुरी कुरुता दुरुता भ्रमपा कुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दन शैल सुते रम्य कपर्दन शैल सुते रम्य कपर्दन शैल सुते भक्तियों अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि त्रियञ्जयानि शमया दातोऽयमिति मम त्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि सजन जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध जदं कृत्वा जलनं वेति सचरे यां कतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुरास्मि शरणं सा त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुगम्योऽहम् यथेच्छति तथा कुरु अज्ञानाद्विषदे भ्रान्त यन्नोनमदितान्निदा सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्माता सचिदानन्द विग्रहे विहारा चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि
जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए अब सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय गणनाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं, हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुणायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्थ मात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी जयकारा श्री राम वाली जी दा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। अभी आपने श्री देवी कवच का पाठ किया, इसी के महात्म पाठ करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पदमेकम न गच्छे तु जदिच्छेषु महात्मना कवचे नाभ्य तो नित्यम यत्र यत्ते विगच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजया सारुकामिका जन जन चिंतयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर मतलं प्राप्स्यति भूतले उपमान निर्भयो जायते मत्या संग्रामेश्व प्रायता ते लोके भयद् पूज्या कवचे नाभ्यता उपमान। ब्रह्मा जी देवी कवि कह रहे हैं कि मनुष्य यदि अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए अर्थात कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मोक्ष जहां जहां भी जाता है वहां वहां से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। इसलिए सभी को श्री देवी कवच का पाठ करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्ति नहीं सब देवता भी गौर शंकर पड़ जाते हैं और उस समय जब कोई विशेष देवता उनकी सहायता नहीं कर पाता अंत में वे इन्हीं अनंत कोटी ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं और माता रानी जी उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के लिए दूर करती है। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। एक बार पृथ्वी जब पापियों के भार से दब चुकी थी
उसने गौ का रूप धारण किया और वे स्वर्ग लोक में इंद्र भगवान के पास गई और सारी व्यथा अपनी बताई कि किस प्रकार द्वापर के अंत में कंस, भौमासुर, केशी, नरकासुर इत्यादि जो दैत्य हैं वो उसको कष्ट दे रहे हैं, इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए, ऐसी इंद्र से प्रार्थना की। परंतु इंद्र भगवान ने कहा कि देवी, मैं पूर्णतया आपका कष्ट दूर करने में असमर्थ हूँ। भगवान ब्रह्मा जी जो आपका कष्ट दूर करेंगे, हम उनके पास चलते हैं। तब पृथ्वी, जिसने गौ का रूप धारण किया हुआ है, वो इंद्र भगवान के साथ ब्रह्म लोक में गई और इंद्र भगवान ने आई हुई उस गौ को पृथ्वी जाना और उसे पूछा कि देवी आपको क्या कष्ट है। उसमें पृथ्वी ने बताया कि महाराज, इस समय 28वां कलयुग आ रहा है और मैं पापियों के भार से दबी हूँ। कंस इत्यादि जो दैत्य हैं, इनके घोर पाप से मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरा इससे उद्धार करो। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, मैं पूर्णतः आपका कष्ट दूर नहीं कर सकता हूँ, भगवान विष्णु आपका कष्ट दूर करेंगे। तब ब्रह्मा जी स्वयं हंस पर आरूढ़ हो गए और वो इंद्र को साथ लेकर के, पृथ्वी को साथ लेकर के वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए और वेदों द्वारा उनकी स्तुति करने लगी। महाराज, आप अनंत शिर वाले, हजार शिर वाले हैं, हजार वायु वाले हैं, आप ही सृष्टि का पालन करने हैं, आप ही सृष्टि का जो संहार करते हैं, इसलिए इस आई हुई जो पृथ्वी का कष्ट दूर करो। उस समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि महाराज, ना स्वयं मैं, ना आप, ना शंकर भगवान जो हैं वो स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, हम उन्हीं शक्ति के अधीन हैं और उनसे ही शक्ति प्राप्त करके हम सृष्टि का सृजन पालन संहार करते हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो क्यों लक्ष्मी का सुख छोड़ करके मैं मत्स्य, वरा इत्यादि तेरे योनियों में रहता, क्यों मैं रामा अवतार में वन वन में भटकता, सीता का हरण हो गया, पिता की मृत्यु होगी, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, यदि मैं स्वतंत्र होता ऐसा क्यों होता। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, उन्हीं शक्ति के अधीन हूँ और इसलिए आप सभी उन्हीं शक्ति की आराधना करो, वही प्रसन्न होने पर आपका कष्ट दूर करूंगी। सभी देवताओं ने दुर्गा माता की आराधना की। हे माँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संपन्न करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन संहार कराती हैं। तब माता जी प्रकट हुई और उन्हें कहा कि देवताओं, आपको किस प्रकार का कष्ट है, मैं आपका दुख दूर करने के लिए कल्प वृक्ष के समान हूँ। उस समय देवताओं ने माता से प्रार्थना की। सभी ब्रह्मा, विष्णु जी, इंद्र इत्यादि सभी देवताओं ने माता से प्रार्थना की कि हे माँ, इस पृथ्वी को जो पापियों के भार से दबी हुई है, इसका कष्ट दूर करो। इसने गौ का रूप धारण करके पहले इंद्र लोक में ये प्रस्थान किया, फिर ये ब्रह्म लोक में गई और फिर विष्णु लोक में आप सभी ने आपकी स्तुति की हमने, इसलिए इसका कष्ट दूर करो। उसमें माता जी ने कहा कि मैंने पहले जी सोच रखा है कि मैं अपनी शक्ति द्वारा यरासंध इत्यादि जो दैत्य हैं इनका वध करूंगी, और देवताओं से कहा कि आप भी अपने अंश से जो जन्म लो, और ये भी कहा कि स्वयं भगवान कृष्ण जो है जो देवकी गर्भ से जन्म लेंगे और माता रोणी के गर्भ से मैं जो संकर्षण द्वारा देवकी के गर्भ से संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में बलराम को डाल दूंगी। भगवान कृष्ण और बलराम इन दैत्यों का वध करेंगे। इंद्र के अंश से अर्जुन जी, धर्म के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीम जी और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव तथा वसुओं के अंश से भीष्म पितामह जी ये उत्पन्न होकर के इन पापियों का जो संहार करेंगे, और यादव भी ब्राह्मण के अंश से स्वयं नष्ट हो जाएंगे और इसी प्रकार कृष्ण जी अपनी लीला को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का वरदान देके माता जी अंतर्धान हो गई है और समय अनुसार भगवान कृष्ण, बलराम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि ने सभी जो दानवों का वध किया और पृथ्वी प्रसन्न होगी, अर्थात वो लताओं से संपन्न होगी। कहने का तात्पर्य यही है कि जब ब्रह्मा विष्णु भी उन पृथ्वी का कष्ट दूर नहीं कर सके तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण की और माता जी ने प्रकट होकर पृथ्वी के कष्ट को दूर किया। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुणी के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती हैं, आपको शक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। ये तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणावत ध्यान करते हैं, इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार,
प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और सातवें माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्छे। 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 सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा मूल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा मूल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी। जयकारा शिरवली जय, बोल सच्चे दरबार की जय। संगत निमैया न परीता पल गुड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ गुड़िया। संगत निमैया न परीता पल गुड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ गुड़िया। तेनी मैया न परीता पाल गुड़िया, नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़िया। सगतन मैया न परीता पाल गुड़िया, नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़िया। सगतन मैया न परीता पाल गुड़िया, नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़िया। सगतन मैया न परीता पाल गुड़िया, नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़िया। काली के बाद देवी है, कई वक्त हाथ ऊपर उठाकर माता में हाथ देंगे और उनका बोले ऋषि होई
नाच के मनाई सी, नाच के मनाई सी, नाच के मनाई सी। आ दिन जद नेड़े होन मुक जान दूरियां, नाच नाच मैया जी दी पाही चाड़ चूड़ियां। दिन जद नेड़े होन मुक जान दूरियां, नच नच मैया जी गाही जाड़ो जूड़िया। संगत नी मैया न परी ता पल गूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ो चूड़िया। संगत नी मैया न परी ता पल गूड़िया, नच नच मैया जी दी गाही चाड़ो चूड़िया। हर जगरा ताने श्रद्धा नाल किता सी, श्रद्धा नाल किता सी, श्रद्धा नाल किता सी। तारा रानी रानी वांदा प्यार जित लिता सी, प्यार जित लिता सी, प्यार जित लिता सी। हर जगरा ताने श्रद्धा नाल किता सी, श्रद्धा नाल किता सी, श्रद्धा नाल किता सी। रुक मन हाथ जोड़े फूला हर मेरिया, नच नच मैया जी दे बाही चढ़ जूड़िया। रुक मन हाथ जोड़े फूला हर मेरिया, नच नच मैया जी दे बाही चढ़ जूड़िया। तेज मैया न परी ता पाल गूड़िया, नच नच मैया जी दी बाही चाड़ो चूड़िया। संग तेज मैया न परी ता पाल गूड़िया, नच नच मैया जी दी बाही चाड़ो चूड़िया। संग तेज मैया न परी ता पाल गूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ो चूड़िया। नच दिन मैया परिता पाले चूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ो चूड़िया। चढ़ चूड़िया कट के तूफाना में
नच मैया जी दी पाही चाड़ो चूड़िया छगते मैया ना फरिता पले नूड़िया नच नच मैया जी दी पाही चाड़ो चूड़िया भक्त प्यारे चल प्यार मन पालिए प्यार वादा पालिए हाँ प्यार वादा पालिए हाँ गुलशन वैष्णो माँ दिल च बसा लिए दिल च बसा लिए हाँ दिल च बसा लिए कानपुर कुट के खवाले मानो चूरिया नच नच मैया जी दे बाही चढ़ सुल्तानपुर कुर्ते के खवाले मानो चूड़िया नच नच मैया जी दे बाही चढ़ चूड़िया संगते नि मैया ना परिता पाल गुड़िया नच नच मैया जी दे बाही चढ़ चूड़िया नच नच मैया जी दी 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 बाही चढ़ चूड़िया जयकारा शेरावाली बोल सच्चे दरबार की एक बहन पशु कर रहे श्री मनिंद्र जी जयकारा शेरावाली बोल सच्चे दरबार की हे मां शेरावाली मां ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ
पुजारी मैया तेरा पुजारी तेरा पुजारी
ਜਾਣੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪੁਜਾਰੀ ਪਾਉ ਚੰਦ ਰਾਤ ਅਨਿਮਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪੁਜਾਰੀ
भजामि भजताम अभिलाष दात्रीं धात्रीं समस्त जगतां दुरितापहन्त्रीं संसार बंधन विमोचन हेतु भूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णु सच्चियां ज्योतां बाली माता तेरी सदा जयकार श्री रामबाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिक्रमादित्य शुभ संवत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास के आज 16 प्रविष्ट हैं। कृष्ण पक्ष आज दशमी तिथि है। सोमवार तदनुसार 29 अप्रैल सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी धर्म दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला तंतु पूर्णा तंतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय।
अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पर सभी आरती है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी, तुम को निशि दिन ध्यावत मैया, जिस निशि दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा जिवरी। ओम जय अम्बे को ओ चलते दो नैना, ओ चलते दो नैना, बंद बदनले को अम्बे गौरी, कनक समान कलेव रक्तांबर राज मैया, रक्तांबर राज रक्त पुष्प गल माला, श्री माल के तुम्हें राज दे।
ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਅਭੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਫਾ ਦੁਆਰ ਪਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਕਾ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕਰੇਂਗੇ ਤਦ ਪਸ਼ਚਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਆਰਤੀ ਅਬ ਸਭੀ ਭਗਤੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆਏਗੀ ਸਭੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਰਤੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਹੋਈ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਤਾ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਰਤੀ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਹ ਬੁਲਾਨੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਟ ਕਟਾਨੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ प्रारंभ करते हैं सभी भक्त जहां बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा जय माता गुरु जी को वंदना तृतीय स्मरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आठ पहर जो सट गई जो चरना Thank you.
खड़गम चक्र गलेषु शाप वरदान शूलम्ब शुण्डं चला शङ्खं कन्दलदिङ्गलेश्च नयनं सर्वाङ्गभूतापिता लीलाश्वमात्रपाद दशका देवे महाकालिका यामस्तौ स्महिषयरूपमलयो अन्धं मधुकेटवम् अक्षसर्परशृङ्गलेषु पुलिश परमं धनुष्कुण्डिका दण्डं शर्तिमसिञ्च धर्मजलज घण्टासुराभाजनम् शूलं पाशसुदक्षिणे च दलति हस्ते प्रसन्नानना देवे चैरवर्धने नमः लक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टा शूलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताभ्यैकसिन्दनान्तविरसीताशतुल्यप्रभा कौरी देवसमुद्भवाप्रिगणता आधारभूता महा पूर्वा मन्त्र सरस्वती मनुभजे शुम्भाभिधिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव त्वमेव विद्या जगदम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगविद्यानगम्यम् वन्दे विष्णुभवरम् सर्वलोकैकनाथम् शिवम् केशवम् रामनारायणम् कृष्णदामोदरम् शिखरम् माधवम् गोपिकावल्लवम् जानकी नायकम् शिवानचन्द्रम् भजे हरे मुरारे मधुरे गवारे गोविन्द गोपाल मोहन किशोर ज्ञानम् प्रदेहि शरणम् भजे विद्या प्रदेहि भगवन् नमस्ते। हे माई मेरी सच्चा ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। पंच फुला रानी माता तेरी सदा ही जय। सर्वत्रा भला करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा ही जय। लोंकड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो बोलो हर हर हमारे प्रो बाबा श्री धरती जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय। आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। Thank you.
दो साथी साथ में इसे हाथ में पकड़ लो।